आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोबियल न्यूट्रिशन। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पर माइक्रोबियल न्यूट्रिशन की जो हम टॉपिक है, तो न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट आर सब्सटेंसेस यूज्ड इन बायोसिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन एंड देयर फोर रिक्वायर्ड फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। तो हम जहाँ माइक्रोबियल न्यूट्रिशन के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो ये वो सब्सटेंसेज है जो बायोसिंथेसिस में काम आते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में काम आते हैं, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये माइक्रोब की ग्रोथ के लिए आवश्यक है। अगर हम माइक्रोबियल सेल का मेकअप देखें तो 95% उसके जो ड्राई वेट है वो कुछ मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो न्यूट्रिएंट का बना हुआ होता है, जिसमें से 6 शुरुआती ये काफी इंपॉर्टेंट है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर एवं फास्फोरस, और एक जो दूसरा ग्रुप है रिमेनिंग 4 का वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। आप देखें तो ये जो फर्स्ट 6 है, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस, ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एवं न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, उनके कंपोनेंट बनाते हैं। बाकी जो 4 थे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये 4 मैक्रो जो एलिमेंट्स हैं वो भी केटायन के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और तरह तरह के रोल प्ले करते हैं, जैसे कि इंडोस्पोर फॉर्मेशन में, जैसा आपको बताया था, कैल्शियम की आवश्यकता होती है, एटीपी सिंथेसिस में मैग्नीशियम रोल प्ले करता है, ऑस्मोरेगुलेशन में सोडियम और पोटेशियम का अपना रोल है, ये सारी चीजें आप जानते हैं, पढ़ चुके भी हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है, ट्रेस एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है जो इसकी फंक्शनिंग के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम, निकल एंड कॉपर। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट यूबिक्यूटस होते हैं और संभवतः ये ग्रोथ को लिमिट नहीं करते हैं। जहां मैक्रो न्यूट्रिएंट ग्रोथ को लिमिट करते हैं, संभवतः ये ग्रोथ को लिमिट नहीं करते। सामान्यतः ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स का हिस्सा होते हैं या कोफैक्टर्स होते हैं, और ये विभिन्न रिएक्शन के कैटालिसिस में और प्रोटीन स्ट्रक्चर के मेंटेनेंस में अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में उनकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स भी हो सकती हैं, जो कि उनके स्पेशल नेचर ऑफ मॉर्फोलॉजी या उनके हैबिटेट को दर्शाता हो, जैसे कि जो माइक्रोब्स या बैक्टीरिया सलाइन लेक्स में और ओसिन में पाए जाते हैं, उनके अंदर आप देखेंगे कि ये बिना हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन के सरवाइव नहीं कर सकते। तो जब हम न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो जो सबसे पहला बात आती है वो आती है एनर्जी न्यूट्रिएंट की, एनर्जी सोर्सेज के रूप में, और वो रोल प्ले करता है CHO जो यहाँ लिखा हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 3 मुख्य मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं जो कि एनर्जी के रूप में भी आपको आगे मैं बताऊंगा। कार्बन जो है वो सभी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का स्केलेटन या बैकबोन फॉर्म करता है। सामान्यतः ज्यादातर मॉलिक्यूल जो कार्बन के स्रोत हैं वो ही ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी कंट्रीब्यूट करते हैं, तो सामान्य स्थिति ये भी है एक, सिवाय इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड को हटा दीजिएगा जो हाइड्रोजन
को कंट्रीब्यूट नहीं करती। तो क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है ऑलमोस्ट ऑलवेज रिड्यूस कर लिए जाते हैं और इनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिन्हें ये दूसरे मॉलिक्यूल को डोनेट कर सकते हैं। इस कारण ये एक एनर्जी स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। लगभग सभी जो ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है ये रिड्यूस हो सकते हैं, रिड्यूस है ये, और इलेक्ट्रॉन रखते हैं जिन्हें ये डोनेट कर सकते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स को। तो देखा जाए तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जितना ज्यादा रिड्यूस्ड होगा उतना ही उसमें एनर्जी कंटेंट ज्यादा होगा। जैसे लिपिड्स जो होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में एनर्जी ज्यादा होती है। तो यहां जैसे हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन वो डोनर है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है यहां पर उसमें एनर्जी रिलीज होती है। कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन रिड्यूस्ड डोनर से, जो कि जिसमें कि अधिक नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल हो, उससे किसी एक्सेप्टर जिसमें ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट कर सकता हो जिसमें पॉजिटिव पोटेंशियल हो, तो जब किसी मोर नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वाले से पॉजिटिव पोटेंशियल वाले की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। तो इस कारण से जो ज्यादातर जो कार्बन सोर्सेज हैं वो एनर्जी सोर्सेज के रूप में भी कार्य करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जैसा कि कहा कि इसका अपवाद है, और क्योंकि ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है इसलिए ये एनर्जी भी प्रोवाइड नहीं करती। केवल ऑटोट्रॉफ्स जो होते हैं वो ही कार्बन डाइऑक्साइड को अपने प्राथमिक कार्बन स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से उसे तोड़ना एक एनर्जी इंटेंसिव प्रोसेस होता है, उससे ऊर्जा प्राप्त करना, इसलिए अधिकांशतः इस कार्य को नहीं करते। तो जो ऑर्गेनिज्म जो अन्य प्रकार के रिड्यूस्ड और प्रीफॉर्म्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का उपयोग करते हैं कार्बन स्रोत के रूप में, उनको हम हेटरोट्रॉफ्स कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स वो है जो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर रहे हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करना एज ए एनर्जी सोर्स संभव नहीं हो पाता, और ये बहुत ज्यादा एनर्जी कंजप्शन प्रोसेस होता है अगर आप लाइट में देखेंगे। तो ऐसी स्थिति में ये ऑर्गेनिज्म ज्यादातर दूसरे ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रीफॉर्म्ड कार्बनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का यूज करते हैं, उन्हें हेटरोट्रॉफ कहा जाता है। तो कार्बन स्रोत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। यह समय अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से कार्बन के जो स्रोत है यानी कि ऑटोट्रॉफ से हेटरोट्रॉफ में या हेटरो से ऑटोट्रॉफ में भी कन्वर्ट अपने आप को कर पाते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी के दो स्रोत अवेलेबल हैं। फर्स्ट लाइट एनर्जी जो फोटोट्रॉफ में होती है। जनरली आप देखेंगे कि जो फोटोट्रॉफ होते हैं वो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं, क्योंकि लाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को यूज किया जा सकता है और ये फोटोट्रॉफ के लिए संभव है, इसके अलावा नहीं। और दूसरे होते हैं जो कीमोट्रॉफ्स कहलाते हैं, यानी कि जिनमें एनर्जी जो है वो ऑक्सीडाइजिंग ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से प्राप्त होती है, कीमोट्रॉफ। तो ये तो एनर्जी के स्रोत हो गए, दो प्रकार के एनर्जी के स्रोत हो गए, ठीक है। एक पहला हुआ कार्बन का स्रोत, याद रखिए, जहां पे ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ हो सकते हैं। दूसरा एनर्जी के स्रोत हुए, जहां पर फोटोट्रॉफ या कीमोट्रॉफ हो सकते हैं। और तीसरी प्रकार से हम बात करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के स्रोत की हम बात करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का स्रोत लिथोट्रॉफ हो सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन के स्रोत के आधार पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लिथोट्रॉफ का मतलब है कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रिड्यूस्ड इनऑर्गेनिक, याद रखिए इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को उनके इलेक्ट्रॉन सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और दूसरे प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हैं जो ऑर्गेनोट्रॉफ कहलाते हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ऑर्गेनिक
कंपाउंड। तो यहाँ तीन प्रकार से हमने कैटेगराइजेशन किया है, न्यूट्रिशनल टाइप देखी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। पहला कार्बन स्रोत के आधार पर, जहां हम उन्हें दो में विभाजित करते हैं, ऑटोट्रॉफ या हिटरोट्रॉफ। दूसरा ऊर्जा स्रोत के आधार पर, जहां हम फोटोट्रॉफ या कीमोट्रॉफ हो सकते हैं। और तीसरा इलेक्ट्रॉन स्रोत के आधार पर, लिथोट्रॉफ या ऑर्गेनोट्रॉफ हो सकते हैं। तो इन आधार पे जो मेजर न्यूट्रिशनल टाइप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, वो चार हैं। पहला है फोटो लिथो ऑटोट्रॉफ। यहां बहुत स्पष्ट हो जाता है कि एनर्जी कहां से आ रही है, फोटोट्रॉपिक मोड से, मतलब लाइट का इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, इनऑर्गेनिक से, इसलिए हमने वर्ड का इस्तेमाल किया लिथो लिथोट्रॉफ। और तीसरा कार्बन का स्रोत क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑटोट्रॉफ। तो ये वो ग्रुप है, ये वह समूह है जो कार्बन का इस्तेमाल, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, जो लाइट का इस्तेमाल करते हैं यानी कि फोटोसिंथेसिस जिनमें देखने को मिल रहा है, और इनऑर्गेनिक पदार्थ से अपना इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर रहे हैं। तो इस ग्रुप में अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो है एल्गी, फोटोसिंथेसिस इनमें पाया जाता है जैसे आपको पता ही है। साथ ही साथ पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, क्योंकि ये लिथोट्रॉफ है, और इसके अलावा साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण ग्रुप, बड़ा ग्रुप इसी प्रकार का, वो है कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफ। नाम से ही जाहिर है कि ये कीमोट्रॉफी दिखाते हैं, ठीक है, ऑर्गेनोट्रॉफी दिखाते हैं और हेटरोट्रॉफी दिखाते हैं। तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि यहां पर जो कार्बन का स्रोत है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, अन्य प्रीफॉर्म्ड ऑर्गेनिक मटेरियल है लाइक ग्लूकोज, तो हेटरोट्रॉफी हो गया। दूसरा एनर्जी का स्रोत जो है वो लाइट नहीं है, केमिकल है, तो कीमोट्रॉफी हो गया। तीसरा यहां पर जब आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ऑर्गेनिक में, जैसे आपने वहां देखा एक्सट्रैक्ट हो रहा था इनऑर्गेनिक से, यहाँ ऑर्गेनिक से एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो यह कीमो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफी, ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिसमें प्रोटोजोआ आते हैं, फंजाई आते हैं, और अधिकांशतः लगभग सभी नॉन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जिसमें सभी पैथोजन भी शामिल है, वो सभी इसी ग्रुप में सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा दो और महत्वपूर्ण ग्रुप है, वन इज फोटो ऑर्गेनो हेटरोट्रॉफी, यह वो समूह है जो एनर्जी के लिए फोटोट्रॉफी मोड का इस्तेमाल करता है, इलेक्ट्रॉन के लिए इसमें आपको ऑर्गेनिक मटेरियल से ये एक्सट्रैक्ट कर रहा है, और हिटरोट्रॉफी देखने को मिल रही है। ये इस ग्रुप के अंदर पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया आते हैं, जनरली पॉलीटेड लैक्स के अंदर ये आपको काफी ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। दूसरा इसी प्रकार का समूह है कीमो लिथो ऑटोट्रॉफ, ये भी इकोसिस्टम में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते हैं, जैसे नाम से ही जाहिर है ये ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब ये कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कर रहे हैं कार्बन के स्रोत के रूप में, साथ ही साथ ये एनर्जी के स्रोत के रूप में केमिकल ऑर्गेनिक जो मटेरियल है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर लिथोट्रॉपी भी मौजूद है, जहाँ जैसा कि आपको बोला, आपको बताया था मैंने कि इनऑर्गेनिक मटेरियल जो एलिमेंट्स है उनसे ये इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये चार प्रकार के प्रमुख ग्रुप्स न्यूट्रिशन के आधार पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पाए जाते हैं। इनके बारे में आगे और जो डिटेल देखनी है हमें, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को देखा जा चुका है, नाइट्रोजन और बाकी जो भी है उन्हें हम नेक्स्ट टर्न से देखेंगे। धन्यवाद।